इजराइल हमास के बीच शुरू हुआ युद्ध दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेता जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब इजरायली सेना को गाजा में 3 बंधकों के शव मिले हैं, जिनमें जर्मनी मूल की इजरायली नागरिक शनी लॉक का शव भी शामिल है। एक पिकअप ट्रक में पीछे शनी के मुड़े हुए शरीर की तस्वीर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। सेना को मिले अन्य 2 शवों की पहचान अमित बुसिकला और इत्ज़ाक गैलेंटर के रूप में हुई है। आउटडोर डांस पार्टी नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हत्या कर शवों को फिलिस्तीनी क्षेत्र में लाया गया। It was a heavy heart that I shared the news that last night the Israel Defense Forces and ISA forces rescued the bodies of our hostages Shani Luk, Amit Buskila, and Itzhak Leventer, who were taken hostage during the Hamas massacre on October 7th and murdered. They were murdered by Hamas. According to the credible information that we have gathered, Shani Luk, Amit Buskila, and Itzhak Leventer were murdered by Hamas while escaping the Nova Music Festival on October 7th, and their bodies were taken into Gaza. They were celebrating life in the Nova Music Festival, and they were murdered by Hamas. Their bodies were transferred to medical professional for forensic examination and identification. After the procedure was completed, we notified their families. म्यूजिक फेस्टिवल में की थी हत्या। सेना ने इस बात की तत्काल जानकारी नहीं दी कि उनके शव कहां पाए गए। सात अक्टूबर के हमले में हमास आतंकियों ने लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें मुख्य रूप से नागरिक थे, और लगभग 250 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया था। इजराइल का दावा है कि गाजा में लगभग 100 बंधक और लगभग 30 अन्य के शव भी हैं। हमले के बाद से गाजा में इजराइल के ऑपरेशन में 35,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल ने राफा पर बोला हमला, वहीं दूसरी ओर इजराइल में हमास के हमले के बाद पश्चिमी एशिया के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील के बावजूद गाजा में छिड़ा युद्ध थमने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। अमेरिका के अनुरोध को दरकिनार करते हुए इजराइल ने रफा पर हमला बोल दिया। इसके चलते हजारों की तादाद में लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। गाजा में 3 इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद युद्ध के और तेज होने की आशंका गहरा गई है। हमास ने भी कहा कि वह संघर्ष के लिए तैयार है, फिर यह हिंसक टकराव लंबे समय तक ही क्यों न चले। फुगा डी मिलियारेस डी पालेस्टिनोस पारा आउट्रास आरेस डी फाइशा डी गाजा।